दोस्तों, BTS कई बार अपने फेलो मेट्स यानी बाकी मेंबर्स के बारे में बातों ही बातों में कुछ ऐसा रिवील कर देते हैं जो शायद उन्हें कैमरा पर नहीं बोलना चाहिए। और रिसेंटली जब BTS का लाइव हुआ था तो हमारे शुगा से भी कुछ ऐसा ही हो गया है, जिसको सुनने के बाद आर्मीज बहुत ही ज़्यादा शॉक्ड हो गई थी। तो दोस्तों, एक्चुअली हुआ ये कि जब BTS के मेंबर लाइव आए थे तो इस बार जिन उनके साथ लाइव नहीं आ पाए थे क्योंकि उनके फिंगर में चोट लगी थी। लेकिन दोस्तों, लाइव में जब जंगकुक की परफॉर्मेंस की बात हो रही थी और उनके शर्ट के बटन का डिस्कशन हो रहा था, तब अचानक से शुगा ने सबके सामने बोल दिया कि उन्होंने देखा था कि उसी दिन जंगकुक ने अपने एप्स के ऊपर ऑयल लगाया था। हालांकि दोस्तों, ये सुनने के बाद सभी मेंबर्स बहुत ही तेज़ हंसने लग गए और उनको समझ में ही नहीं आया कि अचानक से ये क्या हुआ। उनकी हंसी खुद से कंट्रोल नहीं हुई। दोस्तों, यही नहीं बल्कि शुगा का ये भी कहना था कि जंगकुक ने जानबूझ के अपने ऐप्स पर बहुत ही सारा ऑयल लगाया था ताकि वो शाइन करे और लाइट्स में बहुत ही ज़्यादा चमके। हालांकि जैसे ही जंगकुक ने ये बात सुनी, उन्होंने एकदम से सरप्राइजिंग रिएक्शन दिया और उन्होंने बोला कि ऐसा कुछ नहीं है, मैं ये हमेशा करता हूँ। दोस्तों, ये सुनने के बाद तो मेंबर्स और ज़्यादा हंसने लग गए क्योंकि उनको लगा कि जंगकुक जानबूझ के अपनी बॉडी दिखाने के लिए उस पर ऑयल लगाते हैं ताकि वो इतना ज़्यादा शाइन कर जाए। दोस्तों, यही नहीं बल्कि जंगकुक का ये रिप्लाई सुनने के बाद आर्मीज भी बहुत ज़्यादा सरप्राइज्ड हो गई थी, क्योंकि पिछली बार जो परमिशन टू डांस की कॉन्सर्ट की वीडियोज़ और फोटोज़ वायरल हुई थी, वहाँ पर जंगकुक की बॉडी बहुत ही ज़्यादा शाइन कर रही थी और उन सबको लगा कि ये पसीने की वजह से हो रहा है। लेकिन अब सबको समझ में आया कि नहीं, जंगकुक ने तो ऑलरेडी वहाँ पर ऑयल लगाया हुआ था, यानी वो जानबूझकर अपनी बॉडी आर्मीज को दिखाना चाहते थे, जिसको सोचने के बाद सभी आर्मीज और BTS के मेंबर्स को बहुत ही ज़्यादा हंसी आने लग गई। हालांकि दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि सारी वीडियोस आपके पास सबसे पहले आ जाएं। तो दोस्तों, जैसे ही शुगा ने ये सारी बातें रिवील करी, RM ने तुरंत ही जंगकुक के रिप्लाई पर उनसे बोला कि क्यों, तुम्हें अपने ऊपर तेल लगाने की क्या ज़रूरत है? आर यू ग्रिलिंग स्टीक? क्या तुम अपने ऊपर स्टीक को तल रहे हो? हालांकि इसके ऊपर जंगकुक ने रिप्लाई देते हुए बोला कि नहीं, वो हमेशा ही ऐसा करते हैं, इससे उन्हें कॉन्फिडेंस आता है। और इसके साथ साथ उन्होंने बोला कि उन्हें हमेशा प्रिपेयर्ड रहना चाहिए स्टेज पर जाने से पहले, इसलिए वो अपनी बॉडी पर ऑयल लगाते हैं। यही नहीं, फिर हमारे क्यूट मोची भी फटाफट से खड़े हो गए और उन्होंने बोला कि मैंने देखा था कि उसी दिन जंगकुक अपनी बॉडी को ऐसे ऐसे करके शीशे के सामने निहार रहे थे। तब जंगकुक ने बोला, क्यों, मैं अपनी बॉडी को नहीं देख सकता क्या? यानी दोस्तों, ये बहुत ही फनी मोमेंट था जहाँ पर शुगा की छोटी सी रिवील करी हुई चीज़ की वजह से इतनी बड़ी चीज़ें हो गई और जंगकुक को सबके सामने एम्बेरस्ड भी फील करना पड़ा। लेकिन आर्मीज़ को ये तो समझ में आ गया कि जंगकुक अब छोटे बच्चे नहीं रह गए हैं जो अपनी बॉडी से इतने ज़्यादा शाई हो, बल्कि अब तो वो खुद को और ज़्यादा स्टनिंग दिखाने के लिए अपनी बॉडी पर ऑयल भी लगाते हैं। तो दोस्तों, मुझे फटाफट से बता दीजिए कि ये वीडियो देखने के बाद आपका क्या रिएक्शन है। और साथ ही साथ, जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से कर लो और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।